अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सैयदा फार्मेसी। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला के शुक्र से मैं भी ठीक ठाक हूँ। व्यूअर्स सेहत के हवाले से एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको सेट्रोल डी कैप्सूल के बारे में बताऊँगी कि सेट्रोल डी कैप्सूल को किन किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसकी फार्मूलेशन क्या है और वो कौन से लोग हैं जो सेट्रोल डी कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्यूअर्स मुकम्मल इंफॉर्मेशन जानने के लिए ज़रूरी है वीडियो पूरी देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप ना हो। लेकिन इससे पहले मेरी नए आने वाले नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, जो नाज़रीन हमारे चैनल सैयदा फार्मेसी पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। व्यूअर्स आइए अब बात करते हैं सेट्रोल डी की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में एक कैप्सूल होता है और इसकी कीमत 130 रुपये है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी स्टोर से आसानी मिल जाएगा। व्यूअर्स आइए अब बात करते हैं सेट्रोल डी की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में विटामिन D3 पाया जाता है जो कि हड्डियों की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। ये जिस्म में विटामिन डी की कमी को पूरा करने में बहुत ही मदद देता है। सेट्रोल डी कैप्सूल विटामिन D3 होता है। ये 200,000 इंटरनेशनल यूनिट में होता है। ये 50,000 इंटरनेशनल यूनिट और 500,000 इंटरनेशनल यूनिट में भी दस्तयाब है। व्यूअर्स आइए अब बात करते हैं सेट्रोल डी कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक। सेट्रोल डी कैप्सूल 6 से ज़्यादा कैप्सूल इस्तेमाल ना करें। बड़े जिनकी उम्र 16 साल से ऊपर है वो हफ्ते में एक कैप्सूल इस्तेमाल करें, यानी एक महीने में 4 कैप्सूल और दूसरे महीने में 15 दिन के बाद, यानी दूसरे महीने में 2 कैप्सूल इस्तेमाल करें और 6 कैप्सूल से ज़्यादा कैप्सूल इस्तेमाल नहीं करने। छोटे बच्चे जिनकी उम्र 6 से 12 साल तक है वो 6 माह में एक कैप्सूल इस्तेमाल करें या अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। व्यूअर्स आइए बात करते हैं सेट्रोल डी कैप्सूल को किन किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। सेट्रोल डी एक विटामिन D3 का कैप्सूल है जो जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी को पूरा करता है और हड्डियों के तमाम मसाइल को हल करता है, जैसा कि ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियों में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं जिसकी वजह से हड्डियां खोखली हो जाती हैं। इस कंडीशन में सेट्रोल डी कैप्सूल बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। इसके अलावा एक बीमारी ऑस्टियोमलेशिया, ये भी हड्डियों की बीमारी है जिसकी वजह से हड्डियां नरम हो जाती हैं और टूट जाती हैं। ऐसी कंडीशन में सेट्रोल डी कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा रिकेटिस एक ऐसी बीमारी है जो छोटे बच्चों में होती है जिसकी वजह से छोटे बच्चों की हड्डियां कमज़ोर नरम हो जाती हैं और टूट जाती हैं, तो इस कंडीशन में भी सेट्रोल डी कैप्सूल बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। इसके अलावा फाइबर डिसपेपिया, ये भी हड्डियों की एक बीमारी है जिसमें हड्डियों के ऊपर एक टिशू होता है जो वक़्त गुजरने के साथ साथ हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। इस कंडीशन में भी सेट्रोल डी कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा पेडिज डिसीज ऑफ बोन, ये भी हड्डियों की बीमारी है, इसमें भी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियां आसानी से टूट जाती हैं, तो इस कंडीशन में भी सेट्रोल डी कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। फ़ायदे तो हम जान चुके हैं, आइए अब बात करते हैं सेट्रोल डी कैप्सूल के नुकसान की। वैसे तो इसका कोई नुकसान नहीं है, यह सेफ़ टू यूज़ कैप्सूल है, लेकिन इसकी ओवरडोज लेने से आपको वोमिटिंग आ सकती है, आपको नोजिया हो सकता है, आपका मैदा ख़राब हो सकता है। व्यूअर्स आइए अब बात करते हैं वो कौन से लोग हैं जो सेट्रोल डी कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिगर के मरीज़ सेट्रोल डी कैप्सूल का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। गुर्दों के मरीज़ भी सेट्रोल डी कैप्सूल का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। व्यूअर्स ये था सेट्रोल डी कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स देंगे और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल सैयदा फार्मेसी को सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।